हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर आप 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को खाली 100 दिनों के अंदर और 100 लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार 100 मार्क्स के लिए 100 डेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 12th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में बच्चे हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर की हम टॉपिक शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हम कोई भी टॉपिक करेंगे उस टॉपिक को पहले हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक बार नॉर्मल डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको डिटेल में उस टॉपिक की नॉलेज हो जाए। स्टूडेंट्स, उसके बाद पेपर में अटेम्प्टेशन करने के लिए आपको एनसीईआरटी की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम उसको एनसीईआरटी में से भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या। 11th क्लास तक आपने आज तक कभी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, आपने खाली बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब है टू मैनेज। मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स टू मैनेज। अब टू मैनेज का मतलब क्या हुआ? टू मैनेज का मतलब है टू गेट द वर्क डन। जो काम हमें दिया गया है, अगर हम उस काम को बड़े अच्छे से कवर कर लेते हैं, उस अच्छे काम को बड़े अच्छे से करवा लेते हैं, तो इसका मतलब हमने अपने काम को मैनेज कर लिया। अगर हम और ज्यादा एग्जैक्ट वे में जाते हैं, तो टू गेट द वर्क डन सो डैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का मतलब है जो काम हमें दिया गया है उस काम को बड़े अच्छे से कर लेना, जिससे कि जो हम अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं उनको हम एफिशिएंटली भी अचीव कर लें और इफेक्टिवली भी अचीव कर लें। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। स्टूडेंट, जो काम हमें दिया गया है, बेसिकली उस काम को ऑन टाइम, जो काम हमें दिया गया है उस काम को हमने प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट करना है। सपोज, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको लेके देता हूं कि एक मैनेजर को हमने टारगेट दिया 10,000 यूनिट्स बनवाने का। मैनेजर को कहा 30 डेज के अंदर आपने उन 10,000 यूनिट्स को बनवा देना है। अगर मैनेजर ने वो काम 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया, मींस टाइम पर अपना वो काम कर दिया, तो मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है। देन बच्चे, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। तो बच्चे, यहां पर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैनेजर को हमने कहा 10,000 यूनिट्स आपने बनवाने हैं और एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सपोज उस मैनेजर ने 10,000 यूनिट्स बनवा दिए और एक यूनिट को जो बनवाने की कॉस्ट आई वो 10 रुपीज आई या उससे कम आई, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर ने अपना काम एफिशिएंटली भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब है जो काम हमें दिया गया है उस काम को हमने टाइम पर भी कंप्लीट करना है और एक्यूरेटली भी करना है, कम से कम कॉस्ट पे, ताकि हम अपने टारगेट्स को बड़े अच्छे ढंग से अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब दिमाग में यह आता है कि एफिशिएंसी को अगर हमने अचीव करना है या इफेक्टिवनेस अगर हमने अचीव करना है, तो क्या एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस अपने आप आ जाएगी या उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको काम करवाना है तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यह सोचें कि हमें अपने आप ही चीजें मैनेज हो जाएंगी, हम कुछ एफर्ट्स ना करें और एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे, हम कुछ एफर्ट्स ना करें हम इफेक्टिवनेस को अचीव कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा,
तभी हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम टाइम पर भी कर लें, मतलब इफेक्टिवली भी कर लें, और उस टाइम को हम एफिशिएंटली भी कर लें, मतलब कम से कम कॉस्ट पे और अच्छे ढंग से उस काम को कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं मैनेजमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में देखता हूं, तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू गेट द वर्क डन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपना काम लोगों से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? सो डैट जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम बड़े अच्छे से कर लें और अपने गोल्स को एफिशिएंटली भी अचीव कर पाए और इफेक्टिवली भी अचीव कर पाए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में एक ये डाउट आ रही होगी कि प्रोसेस है क्या। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमने प्रोसेस को फॉलो करना है तो क्या काम करना है जिससे कि हम चीजों को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस के अंदर आपको कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। आप उन फंक्शंस को एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। तो आपको कुछ फंक्शंस या एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को एंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो काम है, जो आपके टारगेट्स आपको दिए गए हैं, उनको आप इफेक्टिवली भी अचीव कर पा रहे हैं और एफिशिएंटली भी अचीव कर पा रहे हैं। तो उस फंक्शंस या एक्टिविटीज में सबसे पहला एक फंक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये जो हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये आपके बाद में चैप्टर्स आएंगे जो बहुत डिटेल में आएंगे। अभी मैं समराइज्ड फॉर्म में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि ये फंक्शंस हैं क्या। प्लानिंग में बेसिकली आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपने फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड How it is to be done, पहले से सोच के रखना। स्टूडेंट, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं सोच के नहीं आया कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाना है, तो मैं कभी भी इस चीज को इंश्योर नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपना काम एफिशिएंटली कर पाऊं या इफेक्टिवली कर पाऊं। तो अगर मुझे अपना काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्लान आउट द थिंग्स, आई हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू दोज थिंग्स। तो आपको एडवांस में सोच के चलना पड़ेगा। देन सेकेंड नंबर पे आपको एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में स्टूडेंट्स क्या है, आप खुद सोच सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम एक ही इंडिविजुअल से सारा काम करवाने की कोशिश करें तो वो इंडिविजुअल अपना काम बड़े अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक इंडिविजुअल एक पार्ट को बड़े अच्छे से मैनेज कर सके। और एक जैसे पार्ट का हम ग्रुपिंग कर देंगे, जैसे हमने यहां पर एक जैसी एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर दी और इस डिपार्टमेंट को कह दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम जो होगा वो एक ही जगह पर मैनेज होगा। बेसिकली वी आर मेकिंग श्योर दैट वन पर्सन इज परफॉर्मिंग वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी ओनली। सपोज हमने एक बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हमने बना दिया सपोज एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली आपने पोस्ट क्रिएट करी, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करा जिसके अंदर आपने यह बता दिया कि सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने किसको ऑर्डर्स देने हैं, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सो डैट जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में काम होना शुरू हो तो किसी को एक कंफ्यूजन ना हो कि किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने क्या काम करना है, किसके पास कितनी पावर्स है। तो बेसिकली रोल क्लैरिटी, जब हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कर रहे हैं तो हम एक रोल क्लैरिटी दे रहे हैं कि किसका क्या रोल होगा। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस गेटिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सही जॉब पे सही इंडिविजुअल को लेके आना एंड आल्सो मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन।
उसके बाद उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करके रखना, उसको हम स्टाफिंग कहेंगे। कैसे स्टाफिंग करते हैं वो चैप्टर आएगा, उसमें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन एक है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स हैं और सबऑर्डिनेट्स हैं। तो जब तक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस नहीं देंगे, तब तक सबऑर्डिनेट को यह नहीं पता चलेगा कि उसने क्या काम करना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको गाइड करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको लीड करेगा, जिससे कि सबऑर्डिनेट्स अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर सकें। डायरेक्टिंग चैप्टर भी हम बाद में बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद एक फंक्शन परफॉर्म होगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जब आप एक्चुअल में काम करना शुरू कर देंगे तो आप यह देखोगे कि जो एक्चुअल में आप काम कर रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, डेट इज एज पर द प्लैंड परफॉर्मेंस और नॉट। वो आपकी प्लैंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि वो क्यों नहीं है, और उसके बाद आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि जो कमियां आई उन कमियों को हम दूर कर सकें और लॉन्ग टर्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली भी अचीव कर सकें और इफेक्टिवली भी अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इंक्लूड सर्टेन फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, so that we are able to achieve the goals of the organization in an effective manner and in an efficient manner. Effective manners means on time. Basically we are concerned with the end result. End result ko humne achieve karna hai. Aur efficiency mein basically we are concerned with the cost. Kam se kam cost pe jyada se jyada benefits humne leke aane hai. To students, ummeed hai aapko ye samajh mein aa gaya. Ab hum NCERT mein se dekhte hain ki NCERT mein ye kya given hai. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अभी बताया। अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें प्रिंटेड मटेरियल चाहिए वो हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको प्रिंटेड मटेरियल भी बड़े नॉमिनल चार्जेस के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में जो डेफिनेशन आपको याद करनी है, जो बोर्ड में पूछी जाएगी, वो ये डेफिनेशन है। मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैंने अभी आपको यही बताया, हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे कि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो बेसिकली डेफिनेशन से तीन मेन चीजें निकल के आ रही हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इन तीनों का मतलब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है। इफेक्टिवनेस, बींग इफेक्टिव और डूइंग द वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क इन टाइम। मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब हमने अपने काम को इफेक्टिवली कर लिया। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। जो आपको काम दिया गया है आप उसको सही से कर रहे हो, जो एक्टिविटीज दी गई हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं और गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अगर हम टाइम पर अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लें और गोल्स को अचीव कर लें, तो इसका मतलब हम इफेक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। तो बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट। अगर हम एंड रिजल्ट्स को अचीव कर लेंगे, इसका मतलब हम इफेक्टिवली अपने काम को कर रहे हैं। देन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। हम अपने काम को सही करें, कम से कम कॉस्ट पे करें। बेसिकली इसमें हम कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है। बेसिकली कम से कम इनपुट के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आना चाह रहे हैं। कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, वन मार्क में अगर पेपर में पूछ लिया जाए, तो अगर हम कम रिसोर्सिस को यूज करके ज्यादा बेनिफिट्स डिराइव करते हैं, मींस इनपुट्स को कम कर दें, आउटपुट्स को बढ़ा दें, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर आप उतने ही आउटपुट के लिए इनपुट्स को कम कर दें, मतलब कम रिसोर्सेज से उतनी ही प्रोडक्शन दें, तब भी हमारी एफिशिएंसी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इनपुट रिसोर्सेज, वन मार्क में कहीं आपको सैंपल पेपर्स में देखने को मिल जाएगा, इनपुट रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, तो मनी,
मटेरियल इक्विपमेंट और पर्संस जो हैं उनको हम इनपुट रिसोर्सेज बोल देते हैं, कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा हमने आउटपुट लेके आना है। देन व्हाई इट इज अ प्रोसेस, मैंने आपको बताया प्रोसेस का मतलब है हमें काफी सारे फंक्शंस को काफी सारी एक्टिविटीज को करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट कि हम अपने गोल्स को सही ढंग से अचीव कर सकें। उन फंक्शंस के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में हम करेंगे। अभी एनसीईआरटी में अभी इसमें डिटेल में गिवन नहीं है, ये चैप्टर्स आएंगे, जब चैप्टर्स आएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इन टॉपिक्स को करा जाएगा, अभी खाली आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी के अंदर स्टूडेंट्स कुछ और भी डेफिनेशंस गिवन है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फर्स्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी में देखते हैं क्या गिवन है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दो जहां इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में काम करें, इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप में काम करें और एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर दें। बेसिकली एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दो, सभी मिलकर काम करें ताकि गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। अगर हम रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जेन न्यूपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस इसमें भी आ रहा है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं जिससे कि कोऑर्डिनेशन आ सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव करा जा सके। कोई भी अगर आप डेफिनेशन देखते हो बच्चे तो उसके अंदर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। बोर्ड में कहीं भी कहीं क्वेश्चन आता है जहां एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करी जा रही है, इसका मतलब हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देन डिफरेंस की बात करें तो बच्चे इफेक्टिवनेस का मतलब है रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का मतलब है रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। टाइम पर काम को कर लेंगे तो हम इफेक्टिव हैं, कम से कम कॉस्ट पर हम काम को कर लेंगे तो हम एफिशिएंट हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट और अचीविंग द गोल्स। अगर हमने एंड रिजल्ट को अचीव कर लिया, सपोज मुझे कहा गया यह चैप्टर आपको पढ़ा दो 10 डेज के अंदर, मैंने आपको 10 डेज के अंदर ये चैप्टर पढ़ा दिया, मतलब मैंने अपने एंड टारगेट को अचीव कर लिया, तो मैं इफेक्टिव हूं। बट एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आना। सपोज मैंने आपको पढ़ाया और आपको अच्छे से समझ में आया, इसका मतलब मैंने अपने काम को एफिशिएंटली भी करा, तो रिसोर्सेज कम यूज करेंगे, आउटपुट ज्यादा लेके आएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल करते हैं, अब आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया तो आपको पता चलना चाहिए अलग अलग से एग्जांपल्स का। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने मैनेजर को कहा आपने 5000 यूनिट्स बनवाने हैं, अब वो 5000 यूनिट्स आपने जो बनवाने हैं वो 30 डेज में बनवाने हैं और 10 रुपीज पर कॉस्ट के अंदर। तो सपोज उसने 5000 यूनिट्स 30 डेज में बनवा दिए बट कॉस्ट 12 रुपीज की आई, तो टाइम पर तो काम हो गया बट मिनिमम कॉस्ट पे नहीं हुआ, तो यहां पर हम इफेक्टिव तो हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं है। देन सपोज 5000 यूनिट्स हमने 10 रुपए की कॉस्ट में बनवा दिए लेकिन 40 डेज लगे हमें, इसका मतलब कम से कम कॉस्ट पे काम को कर दिया बट टाइम पर नहीं करा, तो यहां पर हम एफिशिएंट तो हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है। और बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब हमने 30 डेज के अंदर उस काम को कर लिया और 10 रुपीज की कॉस्ट में कर लिया, तो यहां पर हम एफिशिएंट भी हैं और यहां पर हम इफेक्टिव भी हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर इफ यू वांट टू बी द गुड मैनेजर वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अचीविंग द गोल्स एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, जो पहले हमने जनरल डिस्कशन करी वो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, बोर्ड के अंदर कहीं से कुछ भी केस स्टडी बन के आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको मैंने पीडीएफ्स दिखाई हैं, स्लाइड्स दिखाई हैं, वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। बोर्ड में अगर अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन आ जाता है जहां पर डिफाइन करने के लिए कह दिया जाता है, तो जो आपको पीडीएफ के अंदर डेफिनेशंस गिवन है आप वहां से लर्न भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको रिटन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत है या आपको एमसीक्यू की बुक्स की जरूरत है या आपको केस स्टडीज की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डेट इज 9896469269, इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं तो हम आपको बता देंगे कि आपको रिटर्न मटेरियल कैसे मिल सकता है।